लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। प्रखंड क्षेत्र के करमाओं पंचायत स्थित वार्ड नंबर 4 निवासी जोखनराम के छोटे पुत्र संदीप कुमार बड़े ही लगन के साथ एस प्रियदर्शी कोचिंग सेंटर चला रहे थे। इसी दौरान BPSSC परीक्षा में 1026वां रैंक लाकर करमाओं ही नहीं पूरे प्रखंड में अपना परचम लहराया। सफल प्रतिभागी संदीप कुमार ने बताया इस सफलता का श्रेय उनकी माता कौशल्या देवी पिता जोखनराम का है। उन्होंने कहा, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद और प्रोत्साहन से आज मुझे यह सफलता प्राप्त हुई। मेरा लक्ष्य है कि मैं BPSC का परीक्षा देकर अनुमंडल पदाधिकारी बनने का लक्ष्य है। पुनीत कार्य से पंचायत वासियों में हर्ष व्याप्त है। हर्ष व्यक्त करने वालों में मुखिया पति मोहन गुप्ता, राधा राम भूषण, राम रामदेव यादव आदि लोग शामिल रहे। मझौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। संवाददाता मझौलिया से मनीष कुमार। इस समय प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती इलाका जो है करमुआ पंचायत जो पूर्वी चंपारण से कनेक्शन इसका रहता है, जबकि यह मझौलिया प्रखंड के एक पंचायत है। यहाँ पर एक एस प्रियदर्शी कोचिंग सेंटर जो मझरिया से में जो संजय सर चलाते थे, वो संदीप सर जो चलाते थे, वो आज इस समय BPSC का सफल प्रतिभागी के रूप में वो चयनित हुए हैं। जो ये है, एक मैंने बहुत असाधारण, एक बहुत निर्धन परिवार से आते हैं, मगर इनकी पढ़ाई लिखाई और इनकी अपनी ताकत मैंने पढ़ने लिखने की, जिसके चलते बच्चों को तैयार करते थे, जो मैट्रिक के क्लास के बच्चों को तैयार करते थे, आज खुद स्वतः बिहार सरकार की सेवा में जा रहे हैं, जो पुलिस प्रशासनिक सेवा है। इनसे यहाँ पर उपलब्ध है, इनसे समझेंगे कि संजय सर आप किस तरह यह जो अपनी तैयारी की, क्या इसमें माता पिता का श्रेय जाता है कि गुरुजन का श्रेय जाता है, किसका श्रेय जाता है? सबसे पहले अपने माता पिता का धन्यवाद प्रणाम करता हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करके आज SI में निकाले हैं। बहुत खुशी हो रहा है, लेकिन हर बच्चों को मैं एक बात बताऊंगा कि सब मेहनत करके आगे बढ़े। मैं कुछ ऐसे परिस्थिति में गुजर कर, मैंने घर पर परिस्थिति के चलते मैं घर पर तैयारी करके मैं SI में निकाला हूँ। अच्छा, कौन सा BPSC का कौन कोर? BPSC SI सब इंस्पेक्टर है। इसको आप निकाल लिए हैं, अब आपकी योगदान होगी। मैंने इसमें सबसे बड़ी मैंने खुशी माता पिता को आप दे रहे हैं। सबसे पहले अपने माता पिता को बहुत खुशी हो रहा है और उनका योगदान सबसे पहले था। इनका कहना है कि माता पिता का सबसे पहले श्रेय है कि उन्होंने हमें पढ़ने और पढ़ाने की बहुत बड़ी उन्होंने रास्ता दिखाई, और मैं खुद घर पर रह कर सारी मैंने कोचिंग संस्थान बच्चों को भी देख करके मैंने तैयारी किया और सफलता प्राप्त की। मेरी यह भी तमन्ना है कि मैं सदर अनुमंडल पदाधिकारी बनूं, इसके लिए भी यह प्रयत्नरत है और यह पूर्व से कृत संकल्प होकर के कार्य किया, आज सफलता के शिखर पर हासिल किए हैं। मैं मझौलिया से R9 संवाददाता मनीष कुमार।